हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। शहनाज़ कौर गिल ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपना सारा दुख दर्द बयां कर दिया है। शहनाज़ ने इस इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। हेटर्स और शहनाज़ से जलने वालों को भी उन्होंने मैसेज दिया है। इसके अलावा अपनी फैमिली के बारे में भी बात की है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। शहनाज़ का ये इंटरव्यू हर जगह फैल चुका है। इस इंटरव्यू में शहनाज़ से पहला सवाल ये किया जाता है कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम पर आप खुद को पॉजिटिव कैसे रखती हैं। शहनाज़ इस पर कहती हैं कि ऐसे टाइम में, ऐसे क्राइसिस में खुद को खुश रख पाना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं काम रहूँ। उन्होंने बताया आगे कि उनकी एक आंट हैं जो कि पॉजिटिव पाई गई और उन्हें सीवियर सिम्टम्स थे और वो उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कर रही हैं। वहीं शहनाज़ कौर गिल जो कि खुद मुंबई में रहती हैं और उनकी फैमिली पंजाब में रहती हैं, शहनाज़ से जब पूछा गया कि आप उनसे कैसे कनेक्ट कर पाती हैं तो इस पर शहनाज़ कहती हैं कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ हर शाम को, यानी कि हर इवनिंग में, और मैं उन्हें बताती हूँ कि वो मुझे आसपास की चीज़ें दिखाएं। और मुझे हर किसी से बात करनी होती है घर में तो मैं उनको बोलती हूँ कि आसपास की चीज़ों के साथ मुझे सबसे बात कराओ। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग देता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले मेरे पास ही हैं। तो भाई नेगेटिविटी के बारे में जब शहनाज़ से सवाल पूछा गया कि कीपिंग नेगेटिविटी एट बे इज़ अ प्रैक्टिस दैट शहनाज़ सेज़ कि भाई वो ये फॉलो करती आई हैं बहुत पहले से जब वो बिग बॉस के घर से बाहर गई थी। उन्होंने कहा सबका टाइम आता है। शहनाज़ ने कहा मैं हमेशा से यही बिलीव करती हूँ, इस बात में विश्वास रखती हूँ कि हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है, यानी कि मेहनत जो होती है, जो आपका हार्ड वर्क होता है, वो हमेशा पे ऑफ करता है। शहनाज़ आगे कहती हैं कि मैं अब जो है वो पूरे तरीके से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में टाइम दे रही हूँ। बड़ी बात यह है कि मैं खुद का किसी से भी कंपैरिजन नहीं करती हूँ और ना ही इसमें बिलीव रखती हूँ। और अगर ये हेट्रेट और जेलेसी कहलाता है तो मुझे लग रहा है कि एटीट्यूड मुझे बहुत ज़्यादा सही है और बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है मुश्किल वक्त में। शहनाज़ आगे ये भी कहती हैं कि अपना दुख बयां करते हुए कि लोग ये नहीं समझते कि वो अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुँची हैं। शहनाज़ कहती हैं कि मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वहीं शहनाज़ से जब सोशल मीडिया की नेगेटिविटी के बारे में सवाल पूछा गया तो शहनाज़ ने कहा बिल्कुल भी आसान नहीं है कि इस नेगेटिविटी से दूर रह पाना या फिर इस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन हाँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि इस पर ध्यान ना ही दिया जाए। मैं यही विश करती हूँ कि मेरे जो डिट्रैक्टर्स हैं, यानी कि जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जो कि उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, वो उनके लिए भी अच्छा ही विश करती हैं। शहनाज़ आगे ये कहती हैं कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देंगे, नेगेटिविटी और डिट्रैक्टर्स, लेकिन हाँ वो मेरे काम की तरफ ज़रूर ध्यान देंगे और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो लोग मेरी नेगेटिव साइड देख रहे हैं वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मैंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस की हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सब मुझे अब ये पता लग रहा है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क होता है। तो भाई ये था शहनाज़ कौर गिल का पूरा इंटरव्यू जो कि उन्होंने हाल ही में दिया है। इस इंटरव्यू में शहनाज़ ने काफ़ी सारी ऐसी बातें की हैं जो कि फैंस को काफ़ी खुश कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं और इस तरह अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।